केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजे खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के नया चितकाट पंचायत के मुखिया प्रत्याशी समाजसेवी प्रकाश वर्मा ने बताया कि मैं विगत 10 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा हूं। इस बार जनता के अपार समर्थन के बलबूते मुखिया पद हेतु नामांकन दाखिल किया हूं। अगर पंचायत के समस्त जनता हमें प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य देते हैं तो मैं संकल्प लेता हूं कि पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाऊंगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा और मैं जनता की निरंतर समर्पण एवं सहयोग भाव से सेवा करता रहूँगा। आइए देखते हैं प्रेम रंजन झा की रिपोर्ट। देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड के चितकाट पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रकाश वर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ केसीएन टीवी चैनल पर। आप बने रहें केसीएन टीवी चैनल के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। समाचार और विज्ञापन के लिए संपर्क नंबर कर लें नोट, 8789366223। एक समाज सेवी के पास हम आए हुए हैं, जिनका परिचय मैं पूर्ण रूपे लूँगा और ये अब बताएंगे कि सुनने में आ रहा है कि आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए हैं, नॉमिनेशन किए हैं, तब क्यों किए? सबसे पहले तो मैं चैनल वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मुखिया में क्यों हम प्रत्याशी बने हैं इसके बारे में आपने जानकारी लेने का कोशिश किया। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ जो कि मैं तो पहले से ही समाजसेवी हूँ और आज के डेट में 10 साल से जो पुराने मुखिया हैं कोई भी काम संपन्न नहीं करा सका है, सब काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है, प्लस घुसखोरी चरम पर है। न कोई वृद्धा पेंशन, न कोई आपका मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास, जितने भी प्रधानमंत्री आवास बना है सब में घुसखोरी, सब में बिना पैसा लिए एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाया गया है। इस अराजकता को ख़त्म करने के लिए हम मुखिया का प्रत्याशी बनना चाहते हैं। आप मीडिया वालों से मेरा निवेदन है इसे आप लोग सभी चैनल पर चलाएं और सभी जनता को जानकारी दें जो कि सुधार और मुझे एक बार मौका मिले। तो कहना चाहेंगे कि मुखिया जी, आप जीतने के बाद क्या सारा काम को पुनः दोहराएंगे करेंगे? जीतने के बाद जितना हो सकेगा निशुल्क बिना घूस का सब काम होगा, ये मैं वादा करता हूँ। इस पर कोई लांछना मेरे ऊपर लगा देगा तो उसके लिए मैं, या तो मेरे स्टाफ हैं, मेरे जितने भी रहेंगे सरकारी कर्मचारी रहेंगे सबको सख्त हिदायत रहेगा जो कि पैसा का लेन देन ख़त्म कीजिए, वो उस समय अब चला गया, वो नहीं करना है। जनता का जो सेवा करना है सेवा कीजिए और निःशुल्क सेवा कीजिए। आपको सरकार वेतन देती है, अपना वेतन पर आप रहिए, जनता को अब तंग नहीं कीजिए, बस यही मेरा प्राथमिकता रहेगा। ठीक है। और अभी गर्मी का समय है, देखा जा रहा है कि कहीं भी नल जल योजना का जो है आपके यहाँ सही रूपेण कहीं भी नहीं, हम लोग गए थे देखे गांव-गांव में कहीं नहीं है सही रूपेण। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।